Good morning guys, myself Saurav Srivastava started going to teach you today Geography Chapter 2 Forest and Wildlife Resources. Forest and Wildlife Resources. Okay. In today's class we discuss about some points. India State of Forest Report ISFR 2015, Damage to Forest, Decline in Biodiversity and Conservation of Forest and Wildlife. These four topics I will discuss today with you. Okay. Now, first I am going to discuss about India State of Forest Report ISFR 2015. क्या कहता है कि the dimension of deforestation in India are staggering. It means कि इंडिया में जो वनों की कटाई है यानी कि फॉरेस्ट की कटाई जो है यानी कि डिफोरेस्टेशन जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किया गया. द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड 79.42 मिलियन हेक्टेयर. यह है कि द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कंट्री 79.42 मिलियन हेक्टेयर विच इज 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया. हालांकि इंडिया में जो है इंडिया में वो देखा जाए अगर तो 79.42 ओके मिलियन हेक्टेयर जमीन है वो फॉरेस्ट से कवर है या ट्री से कवर है. ठीक है, फॉरेस्ट से कवर है या ट्री से कवर है, लेकिन उसके बाद भी ये इतना हेक्टेयर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का सिर्फ और सिर्फ 24% ही कवर करती है. सिर्फ और सिर्फ 24% ही कवर करती है. इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल एरिया को एक वेल सेटल्ड या वेल एनवायरमेंट तभी माना जा सकता है जब वहां पे पूरे 100% जियोग्राफिकल एरिया का कम से कम 33% क्या हो, फॉरेस्ट से या दूसरे तरह के पेड़ों से क्या हो, ढका हो. लेकिन ऐसा नहीं है, 24 और 33 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हम देख रहे हैं कम से कम 11% का डिफरेंस है. तो ये 11% डिफरेंस का मतलब डिफॉरेस्टेशन कल्टिवेटेड फील्ड को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से हुई, जिसे ये डिफरेंसेस हमें दिखते हैं. ओके, नाउ बट डेंस फॉरेस्ट 12.2% एंड ओपन फॉरेस्ट 9.1%. देखा गया है कि जो घने जंगल है वो हमारे जो घने जंगल है वो 12.2% है यानी कि डेंस फॉरेस्ट, और जो ओपन यानी कि पेड़ वगैरह है उसको हम कह सकते हैं कि 9.14% ही कवर करते हैं. इन दोनों को मिला देंगे एंड 0.1% जो है वो मैनग्रोव है. मैनग्रोव ट्री जो है वो 0.14% है. ओके, अब देखा जाए कि द डेंस फॉरेस्ट कवर्स हैज इंक्रीज्ड बाय 3,175 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013. ओके, तो ये सब हमें जानने की जरूरत है कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट होने के बाद भी हमारे इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का सिर्फ और सिर्फ 24% ही फॉरेस्ट या किसी भी तरह के पेड़ से ढका हुआ है, और किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के वेल एनवायरमेंट को बनाने के लिए हमें कम से कम 33% एरिया पेड़ों से ढका होना चाहिए. हम देखते हैं कि जो डेंस फॉरेस्ट है वो 12.2% है, ओपन फॉरेस्ट यानी कि पेड़ वगैरह जो हम आमने सामने देखते हैं वो 9.14% है, मैनग्रोव जो है वो 0.14% है. इतने होने के बाद भी हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे देश में कम से कम 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए. अब देखिए IUCN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, IUCN में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. IUCN का मतलब इंटरनेशनल ओके यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, अब नॉर्मल स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल साल पाइन एंड रेन. नॉर्मल स्पीसीज का मतलब होता है कि जो हमें नॉर्मली मिल जाते हैं जैसे कि पशु ओके साल पाइन और रेन, ये सारे क्या है. इनडेंजर्ड का मतलब होता है जो खतरे में है मतलब खत्म होने वाले हैं, जैसे कि इंडियन राइनो है, लायन है, ठीक है, मैकाव है, शंघाई है, ये सारे क्या है ऐसे स्पीसीज हैं जो इनडेंजर्ड है. इनडेंजर्ड का मतलब इनकी संख्या बहुत कम है, अगर हम इसे कंजर्व नहीं करते हैं यानी कि बचाते नहीं हैं तो ये कुछ दिनों में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी कि हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे. हमने कुछ दिन पहले या हमने सुन रखा है कि इस अर्थ पर डायनासोर होते थे,
तो डायनासोर होते, आज हमें तो डायनासोर दिखाई देते थे, हाँ हड्डियां उनकी जरूर मिली है। इसका मतलब कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जब डायनासोर अर्थ पे थे और वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब होता है कि दीज आर स्पीसीज हुज, अब देखिए मैंने इंडेंजर्ड आपको बताया, वल्नरेबल, वल्नरेबल की स्पेलिंग होते हैं VULNERABLE, वल्नरेबल स्पीसीज। तो वल्नरेबल स्पीसीज में है कि दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम द वेयर इट इज लाइकली टू मूव इन टू इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। मतलब इनडेंजर्ड से भी ज्यादा खतरनाक वल्नरेबल है, मतलब अगर हमने इसको कंजर्व नहीं किया या हम सीरियस नहीं हुए, सीरियस का मतलब बहुत ज्यादा सीरियस, तो ये जो स्पीसीज हैं ये खत्म हो सकते हैं आने वाले 1-2 साल या 3 साल में, ये खत्म हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आ सकते हैं हमारे क्या क्या, तो हम कह सकते हैं ब्लू सीप आ सकती है, एशियाटिक एलिफेंट आ सकते हैं और गैंगेटिक डॉल्फिन आ सकती है, किसमें, वल्नरेबल स्पीसीज में। ओके, रेयर स्पीसीज, तो रेयर की मीनिंग से ही हमें पता चलता है कि रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ। रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ, मतलब जो हमें बहुत कम दिखे। तो ये रेयर स्पीसीज शायद आपको मीनिंग से ही पता चल रहा होगा कि इनकी कंडीशन वल्नरेबल से भी ज्यादा खतरनाक है। ओके, तो देखिए स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इन टू इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कंटिन्यू टू ऑपरेट। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर हिमालयन ब्राउन बियर, मतलब हिमालयन भूरे रंग की जो बियर होती है उसको हम लोग रेयर स्पीसीज की श्रेणी में रखते हैं। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो एंड डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये सारे क्या है, रेयर स्पीसीज। ओके, एंडेमिक स्पीसीज में क्या क्या आते हैं, तो एंडेमिक स्पीसीज जो रेयर स्पीसीज से भी और ज्यादा नीचे आते हैं, जिसमें हमारे कौन कौन से जानवर आ जाएंगे, अंडमान नील, अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग और मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये सारे जानवर किसमें आएंगे हमारे, तो ये आ जाएंगे हमारे एंडेमिक स्पीसीज में। एस्टिंक्स स्पीसीज में कौन कौन से आ जाएंगे, एस्टिंक्स का मतलब सबसे ज्यादा डेंजर। ओके, जैसे कभी कभी हम कोरोना के लिए वर्ड यूज करें क्या, एपिडेमिक, और कभी कभी हम वर्ड यूज करें पैंडेमिक। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप पता लगा कर आएंगे और क्या डिफरेंसेस हैं इसको आप एक शॉर्ट नोट में भी बनाकर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो, एशियाटिक चीता आखिर गए कहां, क्वेश्चन ये बनता है। तो द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल्स द चीता, जिसकी स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर होती थी, जो कैट फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है ना, और मेनली ये कहां पे पाया जाता था, अफ्रीका और एशिया में। 20th सेंचुरी में चीता ये बहुत कम देखा गया और द स्पीसीज वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952, और 1952 से इसे इंडिया में बहुत कम देखा गया, ये हम कह सकते हैं कि इसको रेयर स्पीसीज में शामिल कर दिया गया। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो हम अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू अ रिसोर्स ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने देखा कि हमने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नेचर का यूज, फॉरेस्ट का यूज, लैंड का यूज डायरेक्टली तरीके से किया या इनडायरेक्टली तरीके से किया, लेकिन हमने उसका यूज किया। ओके, चाहे वो हम वुड के लिए करें, बाग्स के लिए करें, लीव्स के लिए करें, रबर के लिए करें, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्यूर एक्सेट्रा। सो इट विल बी ऑब्जर्व हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जब सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसोर्स के तौर पर इसका यूज कर रहे हैं तो इसे बचाएगा कौन, क्वेश्चन ये बनता है। ओके, तो द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्ट ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे एग्रीकल्चर। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती गई, रेलवे की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, कॉमर्शियल की डेवलपमेंट, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बढ़ती गई, माइनिंग एक्टिविटी बढ़ती गई, तो इससे क्या हुआ, हमने सिर्फ प्रकृति का दोहन किया। दोहन करने का मतलब सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाया, हमने उसको कोई भी फायदा नहीं दिया। कोयला हम निकालते रहे कुछ भरा थोड़ी हमने, उसको पेड़ काटा लेकिन हमने पेड़ लगाया नहीं, तो हमने सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। लेकिन एग्रीकल्चर एक्सपेंशन 1950 और 1980 के समय तक फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया था वो एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था उसे कल्टीवेटेड
वेटेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस ये जो रेट है 33% जो होना चाहिए और 11% पे हम लोग आ गए, इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही हैं। ओके, और जिसे हम एसटी कहते हैं या जंगली लोग कहते हैं, वो लोग जिसको हम सेटल्ड ट्राइब्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं या प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये लोग जाहिल हैं या अच्छे नहीं हैं या ये इस दुनिया के नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हमारी दुनिया के हैं, वो क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, उसे कोई काटने जाता है तो उसे वो बचाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब तरह तरह की चीजें हैं, तो हम उन्हें पागल कह देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड? कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी का मतलब होता है, कॉलोनियल का मतलब होता है कि जो बाहर के लोग जैसे फ्रेंच से, पुर्तगाल से और ब्रिटेन से, जिसमें ब्रिटेन के लोगों को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है, ब्रिटेन के लोगों को ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है, तो इन लोगों ने जो भी फॉरेस्ट लॉज बनाए या फॉरेस्ट के रूल रेगुलेशन बनाए, क्या उसकी वजह से ये कंडीशन यहां पहुंची, ये नोट करने की बात है। ओके, तो हमने देखा कि कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड, सम ऑफ आवर एनवायरमेंट एक्टिविटीज से दैट द प्रमोशन ऑफ अ फ्यू फेवर्ड स्पीशीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज बीन कैरिड थ्रू अ ironically termed enrichment plantation in which a single community vulnerable species was extinctly planted and other species eliminated। देखा गया कि जंगलों में अंग्रेजों ने देखा कि अंग्रेजों में सारे पेड़ उगे हुए हैं और वो तरह तरह के पेड़ हैं जिसका कोई यूज नहीं है, अगर हम उस पेड़ों की जगह पे एक किसी भी तरह के जो कमर्शियल यूज के हैं, जैसे कि सांप की लकड़ी, शीशम की लकड़ी या नीम की लकड़ी लगा दी जाए, जो यूज है, जो रेलवे के स्लीपर्स बनाने में यूज हो सकते हैं या रेलवे के शिप्स बनाने, सॉरी बोर्ड बनाने में, शिप्स बनाने में यूज हो सकते हैं, वैसे पेड़ को उन्होंने लगाना शुरू किया, क्योंकि जंगलों में जो तो पेड़ अलग अलग तरह के थे, इधर उधर थे, तो उनको ज्यादा बढ़ने की नहीं मिलता थी। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपने कॉमर्शियल क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए जो जंगल जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज से भरे थे उसमें उस जंगलों को साफ करके कॉमर्शियल यूज के लिए लकड़ी को लगाना शुरू किया, पेड़ को लगाना शुरू किया, और उस पेड़ का यूज किस लिए किया जाता था, रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज किया जाता था। तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज जो खेती खेती के लिए, जैसे कि हम सीख चुके हैं इंडिगो की खेती वो करते थे, टी की खेती करते थे, कॉफी की खेती करते थे, ओपियम की खेती करते थे, उसके लिए भी जंगलों को काटा, प्लस कॉमर्शियल क्रॉप्स, ये जो थे अभी हमने बताया, प्लस कॉमर्शियल वुड के लिए, जैसे कि सांप की लकड़ी, शीशम की लकड़ी या बड़े बड़े स्लीपर्स को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जंगल को काट करके और प्लांटेशन किया, प्लांटेशन का मतलब सीरीज में प्लांटेशन किया, जो पेड़ इधर उधर थे इधर उधर उसको सीरीज में लगाया और उस पेड़ को एक रेगुलर इंटरवल के बाद काटते चले गए। ओके, देखा गया कि 1951 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वॉज क्लियर, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट क्लियर कर दिया गया, किसके लिए? वैली प्रोजेक्ट के लिए। और देखा गया ऐसा कि क्लियरिंग फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को काट दिया गया, माइनिंग के लिए पेड़ों को काटा गया। ओके, बक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज थी उसको हटा के जंगल साफ कर दिया, किसके लिए? माइनिंग के लिए। इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज एंड ब्लॉक्ड द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। इसमें क्या थे? महान हाथी या डिफरेंट टाइप के एलिफेंट रहते थे। थ्रू देयर मे बी सम सब्सटेंसेस इन देयर आर्गुमेंट येट द फैक्ट दैट, अब देखिए इसमें आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ दिया नहीं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडिया को जितना बर्बाद करना था उन्होंने किया, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि भारत से संपत्ति को अपने देश में ले जाना, इसका मतलब कि इंडिया को उन्होंने सोने की चिड़िया समझ रखा था। ठीक है, 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में आता है, ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब इंडिया में आता है तब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी में क्या था?
तो पॉलिसी में ये था कि उस समय बंगाल में गवर्नर होता था, ठीक है, तो बंगाल में गवर्नर को पोस्ट नाम दिया गया क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, मतलब गवर्नर से गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दो तरीके से चलती थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको ड्यूअल सिस्टम कहते हैं हम लोग, ड्यूअल सिस्टम कहते हैं। तो उसको दो पार्ट में जब डिवाइड किया गया तो ऐसा देखा गया कि इस ड्यूअल सिस्टम में दो पार्ट बनाया गया, एक बनाया गया क्या पॉलिटिकल और दूसरा बनाया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने अपने पास रखा और पॉलिटिकल जो थे वो आसपास के राजाओं को दे दिया, और उसमें भी जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही एक वाइस गवर्नर को उन्होंने अपॉइंट किया, मतलब पॉलिटिकल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों वही संभाल रखे थे। इसके बाद आता है 1784, तो 1784 में क्या होता है, 1784 में इन सब चीजों को वापस ले लिया जाता है, और जो वहां का पॉलिटिकल होता है मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट होती है वो पूरा कंट्रोल बंगाल का अपने हाथ में ले लेती है। समझ रहे हैं आप लोग, बंगाल का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, क्यों, क्योंकि उसे लगता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कैसे प्रॉपर्टी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए 1773 में इस रूल रेगुलेशन का यूज कर रही थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट पास करके इस चीजों को और स्ट्रॉन्ग बनाए। तब उन्होंने क्या किया कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट अलग अलग था उसको उन्होंने एक पास लगा, एक साथ लगा, मतलब ये अलग अलग नहीं रहेंगे, ओके 1784 में। और जो कंट्रोल था वो टोटल किसके हाथ में चला गया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाथ में चला गया। अब 1784 से लगातार ये चीजें चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। अब हम जानते हैं कि 1857 में क्या होता है, 1857 में पहली भारतीय क्रांति होती है, इंडियन फर्स्ट रिवॉल्ट होता है, और 1858 में जो इंडिया का पूरा शासन है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, 1858 में वो ब्रिटिश कंट्रोल में यानी कि ब्रिटेन ताज के हाथों में चला जाता है। अब पूरा चीज एकदम चेंज हो जाता, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और पूरी तरह से इंडिया क्या हुआ, अब अंग्रेजों के कंट्रोल में हो गया था। आज की क्लास हम यही रहने देते हैं, काफी कुछ इधर उधर की बातें हो गई, ओके, तो थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द हिमालयन यू इन ट्रबल, ओके, और भी बहुत सारे टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो काफी लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो किसी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम छोड़ेंगे नहीं और सब चीज को करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच।